हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। सो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। सो दिस इज थर्ड लेक्चर, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के बेसिस पर हम ये मॉलिक्यूल किस तरह से ड्रॉ किया जाता है ये पता करेंगे, ठीक है। एक्चुअल की उसमें किस एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है या लोन पेयर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं, या कितने बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं, इसके थ्रू हम ये पता करेंगे। एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप जानते हैं, जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी जान लें कि ये टॉपिक अगर आपको क्लियर होता तो आगे की बहुत सारी चीजें जैसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना, उसमें भी इसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। एंड मॉलिक्यूल की रियल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, उसमें भी आपको इसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इस टॉपिक को क्लियर होने के बाद, ठीक है। सो नाउ देखिए, इस टॉपिक में लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने आपके पास हेडिंग डाली है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दे आर सिंगल सेंटर्ड स्पीसीज, मतलब ऐसी स्पीसीज जिसमें सेंट्रल एटम केवल एक होगा। वी नो दैट दे आर टू टाइप्स ऑफ स्पीसीज, एक जिसमें सेंटर्ड एटम केवल एक होता है, और एक वो स्पीसीज जिनमें एक से ज्यादा सेंटर्ड एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पहले सिंगल सेंटर्ड स्पीसीज, मल्टी सेंटर्ड के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। सो स्टेप नंबर वन, अरेंज द एटम इन स्पेस एज पर देयर एक्चुअल अरेंजमेंट, मतलब जैसा उनका एक्चुअल अरेंजमेंट होता है उसी तरह से आपको क्या करना है, एटम्स को अरेंज करना है सेंट्रल एटम के चारों तरफ। अब आपसे आप कहोगे कि सर सेंट्रल एटम तो हमें पता ही नहीं है, कैसे सेंट्रल एटम को कैसे फाइंड करोगे। तो सेंट्रल एटम को फाइंड करने का एक सबसे सिंपलेस्ट शॉर्टकट होता है कि आप ये देखो कि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम कौन सा है, वही आपका जनरली क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली एक्सेप्शंस तो होंगे ही होंगे, और केमिस्ट्री में जानते ही हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे NOBr, NOCl, Cl2O, जिनमें ये रूल फॉलो नहीं होता है, इसके अलावा सब में फॉलो हो जाता है, ठीक है। दूसरी किताबों में या कई जगह आपको सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करने के लिए और भी पॉइंट्स दे सकते हैं। वो कहते हैं साइज में बड़ा होना चाहिए, बहुत ज्यादा बॉन्ड बना सके, बहुत ज्यादा बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होनी चाहिए, ये सारी चीजें वहां पे आती है। बट आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी फाइंड कर सकते हैं, ध्यान रखें। एक्सेप्शन में NOBr, NOCl, Cl2O आते हैं जो फॉलो नहीं करते हैं इस रूल को, अदरवाइज सारे के सारे रहेंगे। सेकंड देखो स्टेप, एड ऑल द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूडिंग द चार्ज, एंड फिर क्या करना है, डिवाइड करिए 2 से, ऑब्टेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब पहले क्या करोगे आप, जितने भी एटम्स हैं उन सभी एटम्स के इलेक्ट्रॉन पेयर, कौन से वाले बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आपको क्या करना है, ऐड करना है, और फिर उनको डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन पेयर फाउंड कर लीजिए कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं बैलेंस सेल में। सारे के सारे जितने भी आपके पास एटम है, सभी एटम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। चार्ज को भी इंक्लूड करना है, अगर माइनस है तो माइनस का मतलब होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर एक माइनस तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, दो माइनस चार्ज है मतलब दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, -3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन, जितना भी नेगेटिव चार्ज आएगा इसका मतलब उसके पास उतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। प्लस चार्ज से क्या पता चलता है, प्लस का मतलब उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए एक्चुअल जितने थे। तो अगर मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज आया तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, अगर उस पर प्लस चार्ज आएगा तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 1 प्लस चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ, 2 प्लस चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए, जितने भी प्लस चार्ज आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब आपको क्या करना है, जब आपने इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट कर लिए हैं और आपने साथ में क्या कर लिया है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर और अरेंजमेंट कर दिया, देन आप क्या कर रहे हैं कि हर एक एटम को, जो टर्मिनल एटम है उसको सेंट्रल एटम को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन ईच टर्मिनल एटम्स एंड डंप ऑल द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, मतलब जितने भी टर्मिनल एटम है हर एक टर्मिनल एटम्स को 3-3 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कराइए, कब, जब आप उसको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर चुके होंगे। उसके बाद अगर अब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर बच रहे हैं जो आपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट किए थे, तो फिर क्या करिए, उनको सेंट्रल एटम पर जाके डंप कर दीजिए, सारे के सारे सेंट्रल एटम पर रख दीजिए। फिर उसके बाद क्या करना, देखो चेक करना है सेंट्रल एटम का ऑक्टेट, अगर कंप्लीट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कंप्लीट नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करोगे, आप टर्मिनल एटम पर जो आपने इलेक्ट्रॉन पेयर डंप किए हैं लोन पेयर, उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन पेयर हटाइए और वहां पर डबल बॉन्ड बनाइए, 2 हटाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, इस तरह से आप तब तक इलेक्ट्रॉन पेयर हटाते जाएंगे जब तक कि ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट है
आपको क्लियरली शो करना है फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम, चाहे वो सेंट्रल एटम हो चाहे वो टर्मिनल एटम हो, हर एक पर आपको क्लियरली फॉर्मल चार्ज शो करना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को अपन एग्जांपल के थ्रू देख रहे हैं यहाँ पे, कि उसी एग्जांपल को हम यहाँ पे करेंगे। इस तरह के हम दो तीन एग्जांपल और करेंगे, ठीक है। तो पहला आपके पास है CO3 2- जिसको हम करने जा रहे हैं एग्जांपल फॉर्म में, ये सारे पॉइंट्स अप्लाई करेंगे। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे हमने आपके सामने 6 स्टेप्स लिखे हैं, यहाँ पर एक स्टेप और अभी बाकी है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, मतलब आगे का मतलब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल देखिए इस एग्जांपल को। सबसे पहले अरेंज दी एटम्स इन स्पेस एज पर देयर एक्चुअल अरेंजमेंट। तो बताओ इसमें सेंट्रल एटम क्या होगा। हमने आपको हिंट दिया है कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस फाइंड करना है, जिसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वही आपका क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो कार्बन ही आपका क्या होगा यहाँ पे, सेंट्रल एटम। तो हमने कार्बन को रखा सेंटर में और आपके तीनों ऑक्सीजन को हमने क्या कर दिया, टर्मिनल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, एक दूसरे के 120 कैसे भी रख दो, अभी कोई मायने नहीं रखता ये बात, क्योंकि अभी हम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम केवल ये ध्यान दे रहे हैं कि आखिर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट डिफरेंट एटम्स को हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, कौन सेंट्रल एटम पे आएगा, किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, ये सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। शेप या उसकी ज्योमेट्री की बात अभी नहीं करेंगे, उसकी बात हम अलग से करेंगे जब एक बार हम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर सही सही ड्रॉ करना सीख जाएंगे, ठीक है। चुनाव हमने पहले अरेंज कर दिया, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, सबके इलेक्ट्रॉन पेयर डिवाइड पहले कैलकुलेट करो फिर डिवाइड करो। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, कार्बन के पास बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6। तो 3 ऑक्सीजन है, 18+4 कितना हो जाएगा आपका, 22, और 2 है नेगेटिव चार्ज। तो टोटल देखो 4 कार्बन के, 3×6 ऑक्सीजन के, प्लस 2 नेगेटिव चार्ज वाले, सो हो गए 24 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो है इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए आप डिवाइड कर दीजिए, तो 24/2 यानी 12 इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास आ गए, ठीक। अब क्या करना है, जब 12 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपके सामने आ गए हैं, आपको करना है कि पहले कनेक्ट करो टर्मिनल एटम को सिंगल बॉन्ड से। तो हमने सिंगल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर को कनेक्ट कर, टर्मिनल एटम्स को क्या किया, कनेक्ट किया। अब आपने 3 बॉन्ड बनाए, तो देखो अब आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो 12 थे उनमें से 3 खर्च कर दिए आपने किसमें, सिंगल बॉन्ड बनाने। हमने आपको कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन में पहले बताया था, सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। ये भी हमने आपको कहा था ऑक्टेट रूल की थ्योरी में कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बॉन्ड बनेंगे वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही बनाते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का यूज कर रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर आए हैं उनसे ही हम सारा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। तो 3 बॉन्ड आपने बनाए हैं, तो इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे कम हो गए, यानी हमारे पास बच रहे हैं कितने, 9, ठीक। अब अगला स्टेप क्या है, देखो डिस्ट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन ईच टर्मिनल एटम, हर एक टर्मिनल एटम पर हमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाइड्रोजन पे मत कर देना, कभी ध्यान रखना, हाइड्रोजन कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा पचा ही नहीं पाएगा, मर जाएगा बेचारा, छोटा सा एटम है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं ले सकता, ठीक है। इसका रीजन आप केमिकल बॉन्डिंग में समझ, एटमिक स्ट्रक्चर में समझ चुके हैं, जहां पे हम कहते हैं कि वहां की उस हाइड्रोजन के पास केवल एक सेल होती है, जिसका मतलब है उसमें सब सेल एस है, उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा वो रख ही नहीं सकता है। तो उस हाइड्रोजन का अलग केस है, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। फिलहाल देखो सबके पास 3-3 इलेक्ट्रॉन पेयर आप रख दो, तो 1, 2, 3 हमने इस ऑक्सीजन को 3 दिए, इसको भी 3 दिए और इसको भी 3 दिए, ठीक है। तीनों को हमने 3-3 इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिए। अब बच्चा एक बात बताओ, जब आपने 3-3 इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो अब आपके जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे 12 में से कितना बचा, 0। 3 आपने यहाँ पे दे दिए, 3-3 सबको दे दिए, 12 हो गए बस, ठीक। अब इसके बाद क्या करना, देखो अगर बचते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर तो आपको सेंट्रल एटम पे रखने हैं, बचे ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, कोई छोड़ दीजिए उसको। अब आपको चेक करना है सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कि कंप्लीट है या नहीं। अगर कंप्लीट नहीं है तो क्या करोगे, इफ नॉट कन्वर्ट 1 और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर, जिन्हें हम लोन पेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑन टर्मिनल एटम्स इन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कब तक, जब तक कि सारा का सारा ऑक्टेट, यानी आप कहें कार्बन जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट क्या ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए। देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक लोन पेयर को यहां से गायब किया और यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म किया, ठीक है। अब देखो, नहीं पहले तो आपने ये देखा कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, तो कार्बन पे 3 बॉन्ड बने, 1, 2, 3, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। अब आपको 8 करना, तो क्या करो, किसी भी ऑक्सीजन से एक लोन पेयर रिमूव करो और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर दो।
नाउ सेंट्रल एटम का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, देखो आप कहा गया है कि क्लियरली शो द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम। अब आपको सभी एटम्स पर फॉर्मल चार्ज लिखना है। बेटा हमने लास्ट क्लास में आपको फॉर्मल चार्ज लिखना सिखाया था कि कैसे फॉर्मल चार्ज हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है पहला वीडियो वो आप देख लें, हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल देंगे तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, देखो ये वाला ऑक्सीजन है, इसका फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, आपको करना क्या है, पहले इस बॉन्ड इसको तोड़िए, बॉन्ड को दो पार्ट, जैसे बॉन्ड तोड़ोगे तो दो दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चले जाएंगे। तो आप जैसे बॉन्ड को तोड़ोगे, मतलब इमेजिनरी आपको सोचना है ऐसा कि हमने बॉन्ड को तोड़ा, जैसे बॉन्ड को आप तोड़ोगे तो दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कार्बन के पास, जैसे दो इलेक्ट्रॉन इसके पास गए तो 2+2 और 2 यहां से आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जब फ्री स्टेट में होता है, 6, यानी 6 अभी भी हैं, 6 होने चाहिए, तो फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। 0 को आप शो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, वैसे करते नहीं जनरली। अब देखो इस ऑक्सीजन को देखो, जैसे आप यहां से बॉन्ड तोड़ोगे तो देखो 2+2+2 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से हैं, बॉन्ड तोड़ने पर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, होने चाहिए थे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है कितने, 7, इसका मतलब एक नालायक एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन खा के बैठा है, तो इसका मतलब है -1। फॉर्मल चार्ज कितना आया, -1। ठीक है बच्चा, इसके बाद इस ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पे 2+2+2 6 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड तोड़ोगे तो 7 जाएंगे, ये भी वही नालायक है, एक इलेक्ट्रॉन इसको देख के इसने भी खा रखा है, तो -1 और -1 फॉर्मल चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे आ जाएगा, इस पर आपका 0 फॉर्मल चार्ज होगा। सेंट्रल एटम को देखो, आप चारों बॉन्ड तोड़ोगे 1, 2, 3 टक टक टक, जैसे तोड़ोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 बॉन्ड है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कार्बन के बैलेंस सेल में कितने होते हैं, 4 हैं, ये कोई नालायक नहीं है, ना तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना लिए हैं, इसका मतलब इस पर भी फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, 0 आएगा। बेटा हमने आपको पहले भी बोला है फॉर्मल चार्ज को आप 0 वाले को रिप्रेजेंट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो देखो ये जो ओवरऑल आपकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर, नाउ दिस इज द रियल लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें आपको क्लियरली ये पता है कि किस एटम पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर के फॉर्म में हैं और कितने बॉन्ड्स यहां पर बने हुए हैं। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2-। एक्चुअल का मतलब दिस इज नॉट अ परफेक्ट वन, परफेक्ट कब होगी, जब हम इसमें रेजोनेंस इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये एक पॉसिबल स्ट्रक्चर जो आपकी CO3 2- की पॉसिबल स्ट्रक्चर में इसे एक स्ट्रक्चर यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है। क्लियर, तो रेजोनेंस में और क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, बट यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि हम इस तरह से क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, 2-3 एग्जांपल्स, जिससे आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, -NO3-N2O हम इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं। अगेन देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम फाइंड करो। तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, कार्बन की, तो सेंट्रल एटम कौन होगा, कार्बन। तो इसमें आपका सेंट्रल एटम आएगा कार्बन। ठीक है, इसमें NO3 में नाइट्रोजन और N2O में भी नाइट्रोजन ही आएगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन ही आएगा। आप देखो इसमें बनाओ, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम को रखो और उसके दोनों तरफ आपको, मतलब अभी बॉन्ड नहीं बनाना है, बॉन्ड आप बाद में बनाएंगे, सबसे पहले आप क्या करो, सेंट्रल एटम के चारों तरफ अदर एटम्स को आप अरेंज कर दो। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, अगेन नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा, एक ऑक्सीजन और दूसरा नाइट्रोजन टर्मिनल हो जाएगा। अब दो नाइट्रोजन है तो क्या होगा, एक नाइट्रोजन सेंट्रल हो जाएगा, अदर दो क्या हो जाएंगे, टर्मिनल हो जाएंगे। नाउ आपको काउंट करना है इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, तो CNO माइनस, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है बताओ, कार्बन के पास आपके पास 4 है सेंट्रल एटम, हमें इलेक्ट्रॉन्स की बात करना है, वो भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है कार्बन में 4 होंगे। ठीक है, नाइट्रोजन में कितने होंगे, 5, ऑक्सीजन में कितने होंगे, 6, और प्लस आ जाएगा 1, क्यों, क्योंकि इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, सो कितने जाएगा बताओ, 12 and 4 16 16 divided by 2, यानी बताइए कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है आपके पास। ठीक है, नाउ 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपके पास CNO माइनस में है। NO3 माइनस को देखो कितना होगा, 5+3 × 6+1 यानी 24 हो जाएगा, सो 24/2 यानी 12 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, किसमें, NO3 2- में, N2O की बात करें, 5+5 10+6 कितना हो जाएगा, 16, सो यहाँ पे 16 यानी 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है बच्चा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो जितने भी होंगे,
उसको दो से डिवाइड कर दो तो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे निकल जाएंगे। ठीक, अब क्या करना है, नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, सारे के सारे टर्मिनल एटम्स को सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड से आप कनेक्ट कर दो। ठीक है, जब कनेक्ट हो गए हैं तो अब आपको इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है, हर एक जो आपका साइड एटम है उसको तीन तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपको क्या करना है, प्रोवाइड करने हैं। सो नाउ देखिए, 1, 2, 3 इसको तीन दिए हमने, 1, 2 एंड 3 इसको भी तीन दे दिए, इसमें देखो 1, 2 एंड 3 1, 2 एंड 3 1, 2 एंड 3 इसको भी दे दो 1, 2 एंड 3 1, 2 एंड 3 देखो बच्चा यहां पर आपके पास तीन तीन इलेक्ट्रॉन पेयर हमने क्या कर दिए, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है कि सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है या नहीं। अगर आपके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है तब तो ठीक है, अगर कंप्लीट नहीं है तो आपको टर्मिनल एटम्स के लोन पेयर को क्या करना है, रिमूव करना है और वहां पे बॉन्ड बनाना है। क्वेश्चन क्या आता है, देखो यहां पर आप जैसे NO3 माइनस है तो यहां पर तो आप किसी भी ऑक्सीजन से निकालो, जैसे यहां पर देखो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, इसके पास 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब अभी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या करोगे आप, एक कोई भी बॉन्ड बना दो, इलेक्ट्रॉन पेयर रिमूव कर दे, चाहे इस ऑक्सीजन को चाहे इसको चाहे इसको। तो यहां तो इक्वालिटी है ना, कि मतलब किसी से भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पे क्या करोगे, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो दो अलग अलग साइड एटम आ गए, तो अब आप कार्बन पर बॉन्ड बनाने के लिए किससे रिमूव करोगे, तो बेटा यहां पर जो नया टर्म हमने आपको पहले ही बोला है कि रेजोनेंस की जो हम बात करेंगे, वो रेजोनेंस यहां से ही जनरेट होगा, जब कोई मॉलिक्यूल की एक सिंगल स्ट्रक्चर ये डिफाइन नहीं कर पाती है, या उस मॉलिक्यूल की सही स्ट्रक्चर को नहीं बता पाती है, कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर, या आप कह सकते हैं जहां पर मॉलिक्यूल की मोर देन वन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती हैं, तो ऐसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। और मोर देन वन स्ट्रक्चर्स को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप कोई भी पॉसिबिलिटी ले लीजिए, क्योंकि उसमें आपका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से कोई एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप कोई भी पॉसिबिलिटी ले लीजिए। सपोज हमने पॉसिबिलिटी ली कि एक बॉन्ड हमने यहाँ पे बनाया लोन पेयर हटा के और एक नाइट्रोजन के साथ बनाया। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पे कंसिडर कर ली, जरूरी नहीं है कि यही एक्चुअल है, बट हाँ कुछ ऐसा आपकी जो मोर देन वन पॉसिबिलिटीज हैं उनमें से एक ये पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पे बना दी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये स्ट्रक्चर गलत नहीं है, ध्यान रखना ये सही है, बट मोर देन वन पॉसिबल में से एक है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हो सकता था कि हम दोनों लोन पेयर यहां से हटाते और दोनों बॉन्ड बनाते, या हो सकता था हम दोनों यहां से हटाते यहां बनाते, तो इस तरह से या एक एक बना दिया, तो तीनों पॉसिबिलिटीज में से हमने एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे कंसिडर की है। नाउ यहाँ पे देखो, आपके पास यहाँ पे भी वही कंडीशन आ गई है, सेंट्रल एटम है, दो बॉन्ड बने हैं, चार इलेक्ट्रॉन, यानी दो बॉन्ड और बनाने हैं। फिर से आप वही काम कर दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बनाओ, एक बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन पे हटा के एक यहाँ बनाओ। अगेन यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी, या तो दोनों बॉन्ड यहाँ पे बने, या दोनों बॉन्ड यहाँ पे बने, या एक एक बने, तीनों में से हमने एक पॉसिबिलिटी को यहाँ पे कंसिडर किया है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी गलत नहीं है, बट हम कह सकते हैं कि तीन पॉसिबिलिटी में से कोई एक स्ट्रक्चर आपने बनाया। अब कौन सी स्ट्रक्चर एक्चुअल वाली होगी वो हम रेजोनेंस में डिसाइड करेंगे। फिलहाल आप ये देख लो कि हम ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम सारी पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे नो डाउट जब हम रेजोनेंस की बात करेंगे। ठीक है, सो रेजोनेंस में हम ये सारी की सारी अलग से बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे इन स्ट्रक्चर को हम फिर से कंसिडर करेंगे, N2 और CNO- को, ये जितनी भी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं सभी स्ट्रक्चर्स को फिर से कंसिडर करेंगे और रेजोनेंस के थ्रू बनाएंगे। अभी हम केवल ये देखना चाह रहे हैं, ये प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो नाउ नेक्स्ट आपको क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, आपने बॉन्ड बना दिए, अब आपको फॉर्मल चार्ज डिफाइन करना है। तो इस नाइट्रोजन को आप जब ये बॉन्ड तोड़ोगे, तो ये बॉन्ड तोड़ोगे तो दो और दो चार इलेक्ट्रॉन पेयर, चार इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, दो यहां से आ जाएंगे, तो छह इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पे हो जाएंगे, होने कितने चाहिए थे 5, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इस वाले नाइट्रोजन पे आपका -1 चार्ज, फॉर्मल चार्ज जो आएगा वो -1 आएगा। कार्बन को देखो, इधर से दो बॉन्ड तोड़ो, इधर से तोड़ो, दो इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे, जीरो फॉर्मल चार्ज आएगा, जीरो को आप कंसिडर कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ऑक्सीजन को देखो, तोड़ोगे तो दो दो चार इलेक्ट्रॉन है, आपका दो यहां से आए तो कितने होगा 6, 6 चाहिए है और यहाँ पे 6 ही आपने बना दिए, तो इसका मतलब है कि इस पे आपका जीरो फॉर्मल चार्ज आएगा। यहाँ पे देखो
ऑक्सीजन दो दो चार पहले से है, बॉन्ड तोड़ोगे छह हो जाएंगे जीरो, इस वाले ऑक्सीजन को एक बॉन्ड तोड़ोगे सात हो जाएंगे माइनस वन, इसको भी तोड़ोगे माइनस वन आ जाएगा, सेंट्रल एटम में देखो क्या आएगा प्लस वन, कैसे, एक दो तीन बॉन्ड तोड़ो तो तीन मतलब एक बॉन्ड दो बॉन्ड और दो दुए चार, चार इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन के पास पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, यहाँ पे कितने हैं चार, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो यहाँ पे प्लस वन। देखो ओवरऑल फॉर्मल चार्ज कितना है इस स्पीसीज पर, ओवरऑल प्लस माइनस जीरो और माइनस, तो ओवरऑल माइनस वन आएगा NO3 माइनस। तो किसी भी फॉर्मल चार्ज में हमने ये डिफाइन भी किया था कि किसी भी स्पीसीज पर जितना फॉर्मल चार्ज होता है टोटल, वो हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज आप सम करोगे अब तो वो टोटल के बराबर ही आएगा, उससे कभी ज्यादा या कम नहीं आ सकता। अगर कम या ज्यादा आ रहा है इसका मतलब है कि वो स्ट्रक्चर गलत है या फॉर्मल चार्ज जो आपने डिफाइन किया है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए N, तो यहां पे फिर से तोड़ोगे माइनस वन आ जाएगा, नाइट्रोजन प्लस वन आ जाएगा, ऑक्सीजन जीरो आ जाएगा। ठीक, आपको बॉन्ड तोड़ने हैं फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं जितने होते हैं, उससे अगर ज्यादा है तो माइनस और कम है तो प्लस। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। नाउ अभी हमने कुछ जितनी भी आपकी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से जो मोर देन वन पॉसिबल स्ट्रक्चर्स थी उनमें से हमने केवल एक एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है। अब हम सारी स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे, पहले तो हम ये डिफाइन करेंगे कि रेजोनेंस होता क्या है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, देन हम सारी स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे और फिर हम एक्चुअल स्ट्रक्चर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। क्लियर, बात कर रहे थे कि हमारे पास टोटल सेवन स्टेप्स हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की। तो लास्ट स्टेप में क्या कहा है उन्होंने कि अगर हमारा सेंट्रल एटम या तो थर्ड पीरियड का हो या थर्ड पीरियड से ज्यादा फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन लाइक इस तरह से, और एडजेसेंट एटम्स पर अपोजिट चार्ज प्रेजेंट हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, देन रिमूव द चार्जेस एंड मेक बॉन्ड्स, चार्जेस को रिमूव करिए और बॉन्ड फॉर्म करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास है SO3, अगेन सबको पहले तो इसमें SO3 में आपका सल्फर क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा, इलेक्ट्रोनिटी कम है, यहाँ क्लोरीन होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्लोरीन है, ऑक्सीजन चार ऑक्सीजन है, चार ऑक्सीजन को लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन है, तीन ऑक्सीजन है, तीनों को लिख दीजिए। अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को काउंट करिए कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पर होंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने आएंगे, 6 प्लस 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा बताओ, 24 यानी 12 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा, 7, क्लोरीन में 7 होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही काउंट करने हैं, प्लस 4 इंटू 6 प्लस 1 कितना, 32 यानी 16 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो जाएंगे। और लास्ट आपका कितना भी NO3 माइनस का आपने निकाला था, 12 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की हम बात कर रहे हैं। नाउ फिर क्या करना है, सिंगल बॉन्ड से जोड़िए सबको, आप सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दीजिए। जितने आप बॉन्ड यहाँ पे बना रहे हैं, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं टोटल, उनमें से उतने इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो आपने तीन बॉन्ड फॉर्म किए, तीन बॉन्ड फॉर्म करने का मतलब है कि पहले 12 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, अब कितने बचे यहाँ पे, 9 इलेक्ट्रॉन पेयर बचेंगे। देन हमें क्या करना है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बच रहे हैं उनको हमें जो आपका टर्मिनल एटम्स हैं, हर एक टर्मिनल एटम्स पर आपको तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या करने हैं, पुट करने हैं। तो आप करते जाइए सब में, हर एक में तीन तीन इलेक्ट्रॉन अपने से बनाने की कोशिश करिए, तीन तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमें क्या करने हैं, पुट करने हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट का यहाँ पे एप्लीकेशन हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको देखिएगा जरा। ठीक है, और साथ में सारे पॉइंट्स यहाँ पे हो ही रहे हैं, लास्ट पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जिसकी हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाले पीरियड से है, 4, 5, 6, 7 किसी से भी, और ऐसी सिचुएशन में एडजेसेंट एटम पे अगर अपोजिट चार्ज आता है तो हम चार्ज को रिमूव करके बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, देखिए जरा इसको, यहाँ पे आपके पास सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो क्या करोगे, एक बॉन्ड को आप एक इलेक्ट्रॉन पेयर को साइड एटम से हटाओ और बॉन्ड बना दो, सो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक, यहाँ पे कंप्लीट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर को हटाओ और आप क्या कर दो, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर दो। ठीक है, अब लास्ट क्या करना है, फॉर्मल चार्ज हमें बनाना है हर एक पे, इस पे क्या आएगा, जीरो, इस पे माइनस बना जाएगा, इस पे भी माइनस बना जाएगा। सल्फर की बात करें तो एक दो तीन चार बॉन्ड तोड़ोगे, चार इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए, छह इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि ये 16 पीरियड 16 ग्रुप का एलिमेंट है, छह इलेक्ट्रॉन यानी दो कम है तो प्लस टू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो
माइनस वन, सब पे माइनस वन वन चार्ज देगा। क्लोरीन पे कितना आएगा बताओ, सो क्लोरीन पे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सात हैं, कितने, एक दो तीन चार। अभी क्या करोगे, बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड बॉन्ड तोड़ के फॉर्मल चार्ज निकालोगे, कितना आएगा प्लस थ्री, ठीक है। लास्ट में देखो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो माइनस वन एंड दिस इज प्लस वन, ठीक है। सो नाउ फॉर्मल चार्ज आ गया। अब देखो जरा लास्ट पॉइंट को हम लोग किस तरह से यूज करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे ज्यादा, सल्फर थर्ड पीरियड, क्लोरीन थर्ड पीरियड, और नाइट्रोजन क्या है सेकंड पीरियड का। मतलब ये जो सेवंथ पॉइंट है ये एप्लीकेबल कहां पे होगा, केवल पहले दूसरे एग्जांपल पे, तीसरे एग्जांपल पे एप्लीकेबल नहीं होना है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम हमारा सेकंड पीरियड का है लास्ट वाले में, उससे इधर के हैं थर्ड एंड थर्ड पीरियड के, क्योंकि हमारी कंडीशन में पहले ही लिख रखा है उन्होंने कि थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड से ज्यादा का हमारा क्या होना चाहिए, एटम होना चाहिए सेंट्रल एटम, तभी हम बात करेंगे। तो क्या करना है, अपोजिट चार्ज है तो आपको चार्जेस को रिमूव करना है, बॉन्ड फॉर्म करना है। कैसे, यहां से माइनस उड़ाया, यहां से एक प्लस उड़ाया, और आपने क्या बना दिया, बॉन्ड। बॉन्ड बनाओगे तो बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत तो पड़ेगी ना, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी गायब कर दिया। आप इसमें चेंज कर सकते हैं द चार्जेस एंड मेक बॉन्ड्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉन पेयर एक यूज कर लीजिए और क्या करिए, चार्ज यहां पर अगेन प्लस माइनस, इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनाइए, उड़ाइए, प्लस माइनस उड़ाइए, इस तरह से बना दीजिए। नाउ दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर। इसकी फाइनल स्ट्रक्चर क्या आएगी बनाओ, अगेन एक प्लस यहां से जाएगा तो दो प्लस बचा, यहां से एक माइनस और एक इलेक्ट्रॉन पेयर हमने यूज किया, बॉन्ड बनाया। अगेन इस पे बनाओगे माइनस, एक लोन पेयर, एक प्लस चार्ज, यहां पे भी आपको क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। अगेन इस पे देखो माइनस प्लस और एक लोन पेयर, तो यहां पे भी आपको क्या हो गया, डबल बॉन्ड। अब ये होगी आपकी फाइनल स्ट्रक्चर। देखो जरा तीन ऑप्शन में डबल बॉन्ड है, एक पे क्या है सिंगल बॉन्ड, उसी पे नेगेटिव चार्ज है ClO4 माइनस, इस पर जीरो चार्ज, जीरो फॉर्मल चार्ज, NO3 माइनस। यहां पर प्लस माइनस है, तो क्या हम यहां पे बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, तो नहीं। क्यों बेटा, एक चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं कि अगर सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, यानी किसी भी अगर एटम में दो सेल है, पहली सेल दूसरी सेल, तो यहां पे क्या होगा, एस सब सेल होगी, यहां पे क्या होगी, एस और पी सब सेल होगी। भाई सेकंड अगर पीरियड है तो सेकंड पीरियड में क्या होगा, आपका सेकंड आपका जो और सेल है, सेल में आपके दो ही सब सेल होंगी, एस और पी, ठीक है। क्योंकि एन की वैल्यू अगर टू है, ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या होगी, जीरो और वन। एल की वैल्यू क्या आएगी, जीरो एंड वन, जीरो मतलब एस, एल मतलब पी। तो इसके पास सेकंड सेल में एक एस है और एक पी है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, दो, पी में कितने जा सकते हैं, छह, टोटल कितने हो गए, आठ। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट में कभी भी आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो सकते हैं। जब आठ से ज्यादा फिल नहीं हो सकते, यहां देखो नाइट्रोजन की केस, नाइट्रोजन के केस में क्या है, यहां पे एक दो तीन चार बॉन्ड बने, मतलब आठ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। अगर आप प्लस माइनस को रिमूव करते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं, तो यहां पे पांच बॉन्ड बन जाएंगे। जैसे ही पांच बॉन्ड बनते हैं, वहां पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है सेकंड पीरियड के एलिमेंट में कि 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएं। क्लियर? सो कभी भी हम सेकंड पीरियड के एलिमेंट के साथ ये वाला रूल अप्लाई नहीं करते हैं। हम केवल और केवल कहां कहां अप्लाई करेंगे, थर्ड पीरियड और उससे बाद वाले पीरियड के एलिमेंट्स के साथ ही अप्लाई करेंगे, उनके अलावा किसी के साथ, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जिसकी बात करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, नाउ दिस इज रेजोनेंस, जिसमें हम एक्चुअल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, मतलब दीज स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल स्ट्रक्चर, जैसे इसमें तीन स्ट्रक्चर बन सकती हैं, उसमें से हमने एक ही बनाई, इसमें भी चार बन सकती हैं, केवल एक ही पॉसिबल बनाई। तो अब वो सारी की सारी स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे, यहाँ पे कितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं, उन सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, फिर देखेंगे उनके बारे में अदर इन्फॉर्मेशन भी, ठीक है।